हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचा। आज अपन 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंस के मात्रकों के बारे में बात कर रहे थे। उनके जो मूल भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों को मापने का परिसर कितना बड़ा है। अपन ने लंबाई को मापने का परिसर देखा था कि अपन सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कितनी दूरियां मेजरमेंट कर सकते हैं और अधिकतम से अधिकतम कितने। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन जो व्यापारिक इस्तेमाल होता है, एक टन या मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, एक क्विंटल के अंदर होता है 100 किलोग्राम, एक स्लग 14.57 किलोग्राम, ओके, और एक पौंड होता है 454 ग्राम, और एक किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। अब आपको पूछेंगे अगर कि एक ग्राम के अंदर कितना किलोग्राम है, एक ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम, तो ग्राम में किलोग्राम के अंदर करने के लिए 1000 से डिवाइड और देगा माइनस 3 किलोग्राम, ओके। तो आपको कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक एक चंद्रशेखर सीमा CSL जो होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4। अब सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अपन ने आज तक देखे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10^-31 की कोटि का अपन ने मेजरमेंट कर लिया, फिर प्रोटॉन का -20 तक, अर्थात अपन सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम द्रव्यमान को भी माप सकते हैं। छोटे द्रव्यमान को मापने के लिए जो इकाई है AMU एटॉमिक मास यूनिट, और AMU बराबर था 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। तो द्रव्यमान को मेजरमेंट करने का भी अपने पास बड़े से बड़ा द्रव्यमान भी मेजर कर सकते हैं और परमाणु वो क्या द्रव्यमान भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन समय का मापन। अब देखिए समय के मात्रक के लिए कि अपन ने बहुत सारे पहले समय को मेजरमेंट करने का अपने पास पृथ्वी पर तरीका क्या था, सूर्य को देखते हुए या चंद्रमा या विभिन्न तारे या नक्षत्रों को देखते हुए अपन समय का मापन किया जाता था, ठीक है। कि सूर्य उगने और अस्त होने तक का जो समय था वो एक दिन कहलाता, या सूर्य उगने से पुनः दूसरे दिन सूर्य उगने का समय क्या कहलाता, एक दिन, ठीक है। उसमें दिन और रात दोनों कंसिडर किए जाते। तो समय के मापन में अपना सभी सौर दिवस, सौर वर्ष और चंद्र मास। सौर दिवस क्या है कि सूर्य के परिधि या सूर्य के सामने पृथ्वी एक घूर्णन करने में जितना समय लेती है वो सौर दिवस कहलाता है, और वो कितना होता है 24 घंटे, और उसको कहा जाता है एक दिन, ओके, एक दिन। सौर वर्ष का मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वो सौर, वो होता है 365 दिन। चंद्रमास, चंद्रमास क्या होगा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमास एक चक्कर लगाने में लगा समय, वो दिन में मेजरमेंट करेंगे तो वो 727.3 दिन के अंदर वो चंद्रमास क्या लगा एक चक्र लगाता। ये तो अपने पास समय के बड़े मात्रक है, समय का मात्रक अपने पास 10^-20 का भी होगा, और एक मात्रक है एक सेक SHKE, वो होता है 10^-8। तो समय का अपने पास बड़ा मात्रक अपन किस में लेते हैं, वर्ष, फिर
मास महीना फिर दिन फिर घंटे फिर मिनट फिर सेकंड और सेकंड के अंदर मिली सेकंड माइक्रो सेकंड या सेक ये सारे मात्रक और पास समय के मात्रक लिए जाते हैं। तो भौतिक राशियों को नापने के लिए बड़े से बड़े मान को मेजरमेंट करने के लिए और छोटे से छोटे मान को मेजर करने का भी अपने पास परिसर अर्थात भौतिक राशियों को मापने का बहुत विशाल परिसर है। छोटी राशि को भी मेजरमेंट कर सकता है और बड़ी राशि का भी मेजरमेंट कर सकता है। अब राशियों को मेजरमेंट करते समय जैसे कोई व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा तो मेजरमेंट करते समय वो जैसे मैंने मेजरमेंट किया किसी जैसे इस की लंबाई का मेजरमेंट या चौक मैंने मेजरमेंट के स्केल लाइन और चेक करें, दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी स्केल लेके मेजरमेंट करेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा वो भी स्केल लेके मेजरमेंट करेगा, कोई मीटर स्केल ले सकता है, कोई फिट वाले ले सकता है, कोई सेंटीमीटर स्केल भी ले सकता है। अब देखें कि प्रत्येक कंडीशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मान कुछ डिफरेंस आता है, डिफरेंट आता और उस डिफरेंट को किससे लें अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा या प्रत्येक प्रेक्षक के द्वारा लिए गए मान में अनिश्चितता। अब इस अनिश्चितता को किससे मेजरमेंट और इस अनिश्चितता को ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि का अर्थ है कि भौतिक राशि को मापने पर के मापन में अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। अब लेकिन जब ये कंपनी इस मार्कर की साइज देती है तो इसके साथ में इसके लेंथ वगैरह देती है, वो भी एक वास्तविक मान और इसके साथ में देवी मान उसको अपन माने वास्तविक मान और किसी अन्य प्रेक्षक के द्वारा लिया गया मान उसको अपन कहते हैं प्रेक्षित। तो त्रुटि क्या कहलाती है एक्चुअल में, प्रेक्षित मान तथा प्रायोगिक मान, ठीक या फिर कह सकते हैं जो वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के मध्य अंतर को ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। जैसे किसी इसकी लंबाई के वास्तविक मान है जो रियल वैल्यू वो ले अपन मान लेते हैं 5.342 सेंटीमीटर, लेकिन प्रेक्षक के द्वारा या प्रेक्षित मान है वो अपने पास आया 5.254 सेंटीमीटर। तो इस दोनों के मान में देखिए कुछ अंतर और इस अंतर को ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। अब ये त्रुटि अलग अलग प्रकार से हो सकती है, ये त्रुटि प्रेक्षक की गलती की वजह से हो सकती है, दूसरा जो अपन ने उपकरण लिया मापने वाला उस उपकरण के अंदर भी त्रुटि हो सकती है, दूसरा लेंथ की मेजरमेंट के अंदर हवा वायु वायुमंडलीय प्रभाव के कारण भी इसके मान में परिवर्तन आ सकता है। तो त्रुटि किन किन कारणों की वजह से आएगी और कितने प्रकार की होती है वो अपन बात करेंगे। चलिए हम देखें अपन त्रुटि बढ़ रहे हैं। त्रुटि में अपन ने बताया क्या कि भौतिक राशि के मापन में या भौतिक राशि के मापन के समय जो मान प्राप्त हुए हैं उसमें अनिश्चितता आती है अर्थात प्रत्येक प्रेक्षण के समय मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अर्थात त्रुटि अगर सही साधारण लैंग्वेज में कहे तो क्या कह सकते हैं कि भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा
प्रायोगिक मान में अंतर को ही क्या कहा जाता है? त्रुटि। तो अपन लिख सकते हैं त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, या फिर कह सकते हैं प्रायोगिक मान। इसको क्या कहा जाता है? त्रुटि। त्रुटि दो प्रकार से हो सकती है, एक क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है, ऐसी त्रुटियां होती है जिनका कारण अपन को पता होता है कि ये त्रुटि किस कारण है, और उसको अपन आसानी से हटा भी जा सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि किन किन कारणों से आ सकती है? यंत्रों के बनावट के कारण, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता में कमी, या एक अपन कह सकते हैं अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि। अब पहला बात करें यंत्रों के बनावट के कारण, ठीक है, यंत्रों के बनावट के कारण, जैसे कोई कंपनी मीटर स्केल को बना रही है और उस बनाते समय मीटर स्केल के अंदर जो एक सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर है, उस वो जो डिस्टेंस है वो एक सेंटीमीटर न होकर कुछ कम है, तो वो कुछ मान कम होगा, तो उस उपकरण के द्वारा जितने भी मान नापे जाएंगे उन सभी के मान में क्या है? त्रुटि आती है। जैसे कोई टेम्परेचर स्केल है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को अगर अपन देखें वो गलत मान को मेजरमेंट कर रही है, तो वो आगे कितने भी प्रेक्षण लेंगे सबके मान में क्या आएगी? त्रुटि है। तो यंत्र जो बनावट है उनके कारण त्रुटि, क्रम त्रुटि, और वो आगे से आगे चलते रहे जब फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो भी वो तो अपनी त्रुटियों को कैसे कम कर सकते हैं? या तो अपन अच्छी रेटिंग वाला उपकरण लें, या फिर अपन उसको क्या कर सकते हैं? सही भी कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब वो त्रुटि जो व्यक्ति प्रेक्षण ले रहा है, उस व्यक्ति प्रेक्षण लेते समय उसको पता नहीं है कि वो प्रेक्षण कैसे लेना है, अर्थात अनुभव में कमी के कारण व्यक्तिगत त्रुटि आती है। जैसे कोई उपकरण सेटअप है, उस सेटअप को अगर वो चलाना नहीं आना तो प्रत्येक जगह क्या करेगा? गलती करें, और उसी को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि। और इस त्रुटि को कम कैसे किया जा सकता है? कि अनुभवी व्यक्ति को लाके उसकी जगह बिठाया करें, तो वो व्यक्तिगत त्रुटि। फिर पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण, ये अपने पास ऐसी त्रुटि है जो अपन को पता है लेकिन इसको अपन कम नहीं कर सकते। जैसे अपन ने कोई एक रिजर्वर के अंदर कोई फ्लूइड को गर्म किया, ठीक है, उस गर्म होने पर क्या होगा कि उसकी ढक्कन से परत से कुछ ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर निकलती रहती है। तो अपन जो विकिरण के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है उसको अपन रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल है उस समय जैसे एक सेकंड पर नापा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, अगर कोई प्रेक्षण दो सेकंड बाद में मेजरमेंट करेगा तो प्रेक्षण अलग होगा, क्योंकि वो ऊष्मा है वो विकिरण के रूप में बाहर निकल जाती है। तो पूर्ण स्थिरता की कमी। अल्पतमांक त्रुटि, अपन वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो अल्पतमांक होता है वो एक सेंटीमीटर का 100वां भाग तक मेजरमेंट कर सकता है, और वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज है वो एक सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक का मेजरमेंट कर सकता है। तो उन उपकरणों के कारण भी त्रुटि आती है, वो अल्पतमांक त्रुटि आती है। प्रत्येक उपकरण का एक अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक का अर्थ यह है कि किसी उपकरण के द्वारा मापे जाने वाला सूक्ष्मतम या छोटे से छोटा मान क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। तो ये अपने पास क्रमबद्ध त्रुटि होगी, यंत्र के बनावट के कारण,
व्यक्तिगत त्रुटि, मूर्खता की कमी के कारण त्रुटि और अल्पतमा त्रुटि। फिर अपन बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि पूर्ण रूप से प्रेक्षक पर डिपेंड करती है। ये अनियमित रूप से आती है और प्रत्येक प्रेक्षक के कारण जो मान आएगा वो भिन्न भिन्न आता है और इसका मान वातावरणीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है। वातावरणीय प्रभाव अलग अलग आएंगे तो मान भी अलग होगा। जैसे सूक्ष्मतम वस्तुएं बनाई जाती है जनरली वो अपन बात करते हैं फिक्स टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके लेंथ में परिवर्तन आता है। तो ये यादृच्छिक त्रुटियों को देखिए वोल्टता ताप प्रायोगिक व्यवस्था और यांत्रिक कंपन पर भी निर्भर करती है। तो ये यादृच्छिक त्रुटियां होंगी, ये क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी। अब इस त्रुटियों को मेजरमेंट करने के लिए अपन एक गणितीय रूप देंगे। गणितीय रूप फॉर्मुलेटिंग की बात करें तो त्रुटियां ज्ञात करने के लिए त्रुटियां अपन कितने तरीके से ज्ञात करें वो पढ़ेंगे। पहला निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, फिर माध्यपरम त्रुटि और परसेंटेज त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि के बारे में। यादृच्छिक त्रुटि के अंदर अपन प्रेक्षक के द्वारा जितने ज़्यादा प्रेक्षण लेंगे, प्रेक्षक ज़्यादा या प्रेक्षण जितने ज़्यादा लेंगे उतनी ही त्रुटि क्या आएगी, काम आएगी। सपोज करें मेरे पास किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एन प्रेक्षक है या एन प्रेक्षण लिए गए तो उस उपकरण के अंदर त्रुटि है वो m1/n गुना अर्थात त्रुटि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि प्रत्येक प्रेक्षण के द्वारा सपोज करें इसने a1 वैल्यू ली, दूसरे ने a2, तीसरे ने a3, चौथे ने a4 n। तो अपन इसका माध्य लेंगे हमेशा, क्या लेंगे माध्यमान। माध्यमान लेंगे वो a1+a2+a3+an/n। तो जितने ज़्यादा फ्रैक्शन लेंगे उतना ही मान सटीक आता है। अब देखिए अब वास्तविक मान किसको लेंगे, तो वास्तविक मान है वो अपने पास माध्यमान। अगर किसी उपकरण का वास्तविक मान ज्ञात पता नहीं हो तो अपन क्या करेंगे, 10 व्यक्ति को बैठेंगे और 10 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग मान को मेजरमेंट करेंगे। अनिश्चितता के कारण कुछ का सेम भी आ सकता है, कुछ का अलग, और उस सभी का माध्यमान में क्या माना जाता है, वास्तविक मान माना जाता है। तो अपन आगे परम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और माध्य परम त्रुटि के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यही देख रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। धन्यवाद। हाँ, एक चीज त्रुटियों के बारे में, अपन लिख लेते कौन कौन सी त्रुटि ज्ञात करनी है, फिर अपन बात। एक अपने पास रहेगी स्थूल त्रुटि, बात कर सकते हैं स्थूल त्रुटि, और इस स्थूल त्रुटि को अपन व्यक्तिगत त्रुटि भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पूर्णतः जो व्यक्ति प्रेक्षण ले रहा है उस पर निर्भर करता है। जैसे किसी भौतिक राशि का मापन किया और उसका अपन क्या लेंगे, पाठ्यांक लेंगे। और पाठ्यांक लेते समय अगर मीटर स्केल पे या बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो लेवल बात करें, अगर वो इस तरह समांतर नहीं देख रहा, कुछ इस प्रकार देख रहा, तो अपन को जो लाइनें हैं वो कुछ शिफ्ट हुई अलग दिखाई दे। तो जो पाठ्यांक लेते समय अगर गलत पाठ्यांक लिया, गलत पाठ्यांक लिया, तो भी क्या आएगी, त्रुटि आएगी। अब अगर पाठ्यांक सही लिया, लिखते समय गलत लिखा, जैसे अपन ने 15.325 सेंटीमीटर उसको अगर लिखता 15.235, ये क्या बताएगा, एरर है। तो इस प्रकार की त्रुटियां स्थूल त्रुटियां हैं
वो आगे से आगे बढ़ती है, सिक्वेंशियल त्रुटि होगी जो अपन नहीं मिटा सकते। दूसरी बात करें, गलत तरीके से पाठ्यक्रम पढ़ना या गलत तरीके से पाठ्यक्रम लिखना। दूसरा हो सकता है कि भौतिक सूत्रों के अंदर, भौतिक सूत्रों के अंदर जो मान रखते समय गलत मान रखना, वो भी क्या कहलाता है, त्रुटि आ जाए। अब जितना पॉइंट्स के बाद में जितनी संख्या अधिक होगी उतना ही मान सटीक मान होता है। और पास अपन लगभग जैसे कोई भी 3 या 4 अंकों तक ही लिखा जाता है, ओके। और अपन इसको लिखते 10^-18 तक की वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक मेजरमेंट का अपने पास परिसर है। तो ये त्रुटियाँ होगी, अब अपन इसको गणितीय रूप को बाद में बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ये रह गई थी एक स्थूल त्रुटि, वो भी कंप्लीट होगी।